झारखंड में कई बार सत्ता में परिवर्तन आया है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन यहां नहीं हुई है। और झारखंड जो शहीदों का सपना था, अब वो अधिसम्रे अब वो राज, वो एक प्रकार से चकनाचूर हो चुका है। इसके लिए हम आदिवासी संगल अभियान की तरफ से शिबू सोरेन खानदान को सबसे ज्यादा दोषी मानते हैं, क्योंकि शिबू सोरेन जी को जेएमएम के मार्फत 40 साल तक का मौका लगा। राज बनने के बाद पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये जो आदिवासियों का हासा, भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चासबास और संविधान के अधिकारों के लिए इन्होंने नीतिगत कुछ भी नहीं किया। दूसरा, इन्होंने आदिवासी समाज में व्याप्त नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता, वोट को हणिया दारू चकना रुपयों में बेचना खरीदना और हरेक गांव में आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के नाम से अधिकांश अनपढ़ पियक्कड़ संविधान कानून नहीं समझने वाले लोग बैठे हुए हैं, वही लोग डाइन बनाते हैं, वही लोग वोट की खरीद बिक्री करते हैं, वही लोग गांव को बेचते हैं। तो इन सारे चीजों पर माननीय शिबू सोरेन, माननीय हेमंत सोरेन या जेएमएम पार्टी ने आज तक कुछ नहीं किया। दूसरी बात, अभी कुर्मी माँ तो आदिवासी बनना चाहते हैं और भी जाति आदिवासी बनना चाहते हैं, और इनको ऑक्सीजन देने वाला जेएमएम है। 8 फरवरी 2018 को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सब जेएमएम का एमएलएमपी साइन करके दिया रघुवर दास मुख्यमंत्री को तब के कि इनको आदिवासी बना दिया जाए। अब ये जो कार्रवाई है जेएमएम का, ये आदिवासियों के गले में फांसी का फंदा डालने के जैसा है। यदि ये लोग आदिवासी बन जाएंगे और भी जातियां आदिवासी बन जाएंगे तो हम आदिवासी जो असली हैं, संताल मुंडा उरांव हो खड़िया आदि, हम लोग जाएंगे कहां? तो ये मामला पर जेएमएम पूरी तरह दोषी है। इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट है कि सोरेन खानदान का जब तक पतन नहीं होगा आदिवासी का उत्थान संभव नहीं है, क्योंकि इस खानदान के ऊपर अभी भ्रष्टाचार के अनेक आरोप, आय से ज्यादा आमदनी का अनेक आरोप, वो फर्स्ट माने प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी स्थापित हो रहा है। तो इतने भ्रष्ट परिवार को, खानदान को झारखंड में ढोना राज्य के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।